भाई लोग, बस ड्राइविंग के एक और नॉलेज फुल वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त मित्र ड्राइविंग गुरु नवीन मिश्रा। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि रूरल एरिया में जब हम चल रहे हैं तो क्लच और ब्रेक का कम्बिनेशन कैसे बना के रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नए ड्राइवर हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही लाभदायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो ध्यान से और पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब हम गांव में रूरल एरिया में चल रहे हों, जैसे हमारी गाड़ी इस समय गांव में रूरल एरिया में है, सिंगल रोड पर है, तो उस समय हमको क्लच ब्रेक का कम्बिनेशन बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि देखिए, इसमें गाड़ी हम टॉप गियर पे नहीं चला सकते, इसमें हम बहुत ही नॉर्मल स्पीड जगह जगह रुकना पड़ता है। रूरल एरिया है, देहात है, तो दो नंबर तीन नंबर पर चलता है, ठीक है दोस्तों, गाड़ी हमारी। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कैसे कम्बिनेशन बना के रखेंगे। देखिए, पहली बात तो मान लीजिए तीन नंबर या चार नंबर जिस पर भी हम चल रहे हैं उस पर देखिए, हम ये चार नंबर गियर लगा के रखे हैं। आप देखिए, ये हमारा चार नंबर गियर लगा हुआ है। देखिए, ना हमने क्लच लिया हुआ है ना ब्रेक लिया हुआ है, केवल हल्का सा देखिए एक्सीलेटर पर पैर रखे हुए हैं और गाड़ी हमारी चल रही है। तो दोस्तों देखिए, गांव में तीन नंबर पर हैं, चार नंबर पर हैं, अगर आपको गाड़ी का कंडीशन सही रखना है। बहुत से लोग क्लच पे पैर रखे रहते हैं, इससे क्लच पे पैर रखे रहेंगे और एक्सीलेटर पर भी रखे रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन ये गलत है दोस्तों। क्लच पर पैर रखकर आपको गाड़ी नहीं चलानी होती, ठीक है, आपको क्लच पूरी तरह छोड़ करके गाड़ी फ्री करके तब चलानी होती है। जैसे कि किसी का कह दो गला दाब के रखो, इसी का अगर क्लच लिए रहते हैं तो गाड़ी के इंजन गला दाबा हुआ होता है तो खुल करके काम नहीं कर पाती है। जैसे इसके गला दबा हुआ है तो कुछ दिन करते करते क्लच पैड रगड़ते रगड़ते हमारी क्लच पैड जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों देखिए, पूरी तरह से छोड़ कर केवल एक्सीलेटर पे फोकस, एक्सीलेटर पे हल्का सा रखिए और गाड़ी को जैसे चार नंबर पे हमने लगाया हुआ है, गियर हमको चेंज नहीं करना है, नॉर्मल स्पीड चलनी है। देखिए, हमारी स्पीड 40 पर है तो 40 पर कांटा हमका चल रहा है। गाँव के स्पीड, गाँव में ऐसे ही चलना पड़ता है नॉर्मल स्पीड, ठीक है दोस्तों, बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि देखिए, सामने जैसे बकरी है, भेड़ है, बकरी, भेड़, गाय, ये सारी रहती है ये सामने। तो ये अगर तेज, बहुत तेज गाड़ी चलते हैं तो ये अचानक भाग के हमारे सामने आ जाती हैं, कुत्ता हुआ। तो इस तरीके से हमको नॉर्मल स्पीड में ही चलाना होता है। उस समय हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि क्लच और ब्रेक, जैसे देखिए मोड़ आया हमारा, देखिए हमने क्लच ब्रेक दोनों दबा हुआ है ना, अब हमने आराम से मोड़ लिया इसी पे, ठीक है, धीरे धीरे हमने ये मोड़ लिया, अभी हमने कुछ नहीं किया। आप देखिए, गियर हम आप बदलेंगे, अब हमने तुरंत ये दो नंबर लगा लिया, ठीक है, चार नंबर से तुरंत हमने दो नंबर लगाया और क्लच भी छोड़ दिया, क्लच ब्रेक दोनों छोड़ दिया, हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया, गाड़ी हमारी अब दो नंबर पर चल रही है, ठीक है। फिर हमको दो नंबर से तीन नंबर पर लगाना हुआ तो एक्सीलेटर छोड़ेंगे, क्लच लेंगे, क्लच हमने दाबा और ये देखिए तीन नंबर, और फिर हल्का सा देखिए हम क्लच छोड़ दिए, एक्सीलेटर ले लिए, हल्का सा एक्सीलेटर, देखिए इंजन एकदम ना, आपको इंजन की आवाज़ से पता चल रहा होगा, एकदम नॉर्मल एक्सीलेटर लिए हुए हैं और गाड़ी हमारी तीन नंबर पे चल रही है, ठीक है। बस अब देखिए, एकदम ख़राब रास्ता है, एकदम यहाँ तीन नंबर से ज़्यादा चल ही नहीं सकते। गाड़ी की स्पीड देखो 20 से नीचे है, 20 से भी नीचे चल रही है गाड़ी हमारी। तो यहाँ पर हमको ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है, मतलब जैसे झूला के जैसे झूलती है गाड़ी इस रोडों में, हाँ गड्ढा बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि गाड़ी हमारी बड़ी है, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है हमको कि नॉर्मल स्पीड में चलाना है। बहुत ज़्यादा इसमें अगर भगाएंगे तो गाड़ी बहुत ज़्यादा इधर उधर बबलिंग मारेगी और आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए, हमने तीन नंबर डाला हुआ है गियर और केवल हल्का सा एक्सीलेटर लिए हुए हैं, ना क्लच लिए हुए हैं ना ब्रेक लिए हुए हैं। देखिए, केवल हल्का सा एक्सीलेटर पर पैर रखे हुए हैं, ठीक है, ना क्लच है ना ब्रेक है और गाड़ी हमारी सिंपल तरीके से 20 की स्पीड में चल रही है, 15-20 देखिए चल रही है आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों देहात में आपको इस तरीके चलाना होता है, ठीक है। तो हमारा क्लच भी सेफ रहेगा और बहुत से लोग जो स्लो स्पीड में होते थे क्लच पे पैर रखे रहते हैं, आपका अक्सर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को देखिए, अगर गाड़ी स्पीड नॉर्मल स्पीड में हुई तो बस क्लच पे पैर रखे हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे क्लच रगड़ता रहेगा बराबर और गाड़ी के लिए हमारे नुकसान होता रहेगा, ठीक है, और जल्दी हमारा क्लच ख़राब हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा और जो भी नॉलेज आपको चाहिए
कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना कर देंगे पॉसिबल होगा तो, नहीं तो आपको वहीं पर जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल ड्राइविंग गुरु नवीन पंडित। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय सिया राम।